वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है जहां अमित शाह की चुनौती पर अखिलेश यादव का जवाब, विकास पर बहस के लिए तैयार हैं अखिलेश। अमित शाह ने सीए पर बहस की चुनौती दी थी। जहां तक सीए का सवाल है, सीए का विरोध केवल समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है, भारत की आत्मा को समझने वाला हर नागरिक सीएए का विरोध कर रहा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस पे बढ़ चढ़ कर के महिलाओं ने हिस्सा लिया है और नौजवान भी आगे चला है। सवाल सीएए का इसलिए भी है कि जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश को इतना शानदार और सुंदर संविधान दिया, हमारा देश, हमारी धरती कभी भाषा के नाम पर या धर्म के नाम पर कभी भेदभाव नहीं किया होगा। ये जो धर्म के लेकर के भेदभाव नागरिकों के साथ होगा, उसका विरोध एक एक भारतीय कर रहा है। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि आखिरकार अपने वोट के लिए क्या भारत की आत्मा को खत्म कर देंगे आप? अपने वोट के लिए समाज में खाई पैदा कर देंगे? ये प्रदेश वो है जहां की जनता ने देखा है और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की भाषा में सुना है। याद कीजिए, वो कहा गया था कब्रिस्तान और शमशान, यही भारतीय जनता पार्टी की भाषा थी। दिवाली और रमजान, भारतीय जनता पार्टी संविधान से इसलिए खिलवाड़ कर रही है क्योंकि उसके पास बहुमत है। बहुमत से आम लोगों की आवाज को नहीं दबाया जा सकता और लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा जितनी आवाज उठेगी विपक्ष, जितनी बात रखेगा। इसलिए जहां तक सवाल डंके की चोट पर और बहस का है, हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप जगह तय कर लें, भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच तय कर लें और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रिय चैनलों को भी बुला लें, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रिय एंकरों को भी बुला लें और विकास पर बहस कर लें। जब चाहें हम समाजवादी लोग उनसे बहस करने के लिए तैयार हैं।